उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, देश में लगातार रेप की घटनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जन आक्रोश मार्च जनपद आजमगढ़ में निकाला। यह प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में जिले के सुखदेव पहलवान स्टेडियम ब्रह्मा स्थान से शुरू होकर तकिया चौक एलवल होते हुए कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पहुंचा। प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, देश में लगातार रेप की घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में आजमगढ़ में प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में जंगल राज हो गया है, कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। जहां मुख्यमंत्री जी को कानून व्यवस्था बनाने की पहल करनी चाहिए, कड़े इंतजाम करने चाहिए, इस उत्तर प्रदेश में बेटियों को जिंदा जलाया जा रहा है। कानपुर में मैं कल एक पिता के घर गया था, जिसकी बेटी इंसाफ न मिल पाने के कारण रेप पीड़ित बेटी थी, उसने आत्महत्या करना मुनासिब समझा। इस उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी के चलते, इस व्यवस्था के चलते, मैनपुरी में एक लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, उस लड़की के साथ रेप हुआ, और जब 2 महीने बाद आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने ट्वीट किया, तब जाकर ये सरकार कुंभकर्णी नींद में जागी। आजमगढ़ में रोज हत्याएं हो रही हैं, ये आजमगढ़ पूरी तरह अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जहां सरकार और पुलिस को खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कड़े इंतजाम करने चाहिए, अपराधियों का धरपकड़ होना चाहिए, अपराधियों के साथ ये सरकार पूरी तरह खड़ी है। इस आक्रोश मार्च के माध्यम से हम इस सरकार के कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए और इस बात को कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी आपसे उत्तर प्रदेश नहीं चल पाएगा, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर इंतजार कर रहा है। इस सरकार के बर्खास्तगी की हम मांग करते हैं। अभी हैदराबाद में दुष्कर्म पीड़िता के आरोपियों को किसी भी सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। और जिस तरह कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है, अराजकता का बोलबाला है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जंगल राज हो गया है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आज बहन बेटियां और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ पा रही हैं, इसलिए उनके सुरक्षा की मांग को लेकर इस भ्रष्ट सरकार को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में आक्रोश मार्च कर रही है। उसी के तहत मैं पुनः कह रहा हूं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखे और वो कानून व्यवस्था पर काम